अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। क्लास सी स्टैक्ड इंग्लिश, लेक्चर नंबर 14, लेसन नंबर 2। लेसन नेम इज़ पेरेंट्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग। वालदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया था। आज हम बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ओपन योर बुक्स, बुक पेज नंबर इज 9। हम स्टार्ट करेंगे फोनिक्स फोकस से। तो लेट्स स्टार्ट। रीड द गिवन वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन दैम। हम वर्ड्स को रीड करेंगे और उनमें नंबर ऑफ सिलेबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सिलेबल क्या होता है? अ सिलेबल इज़ अ स्मॉल यूनिट। ये एक छोटा यूनिट होता है ऑफ अ वर्ड, एक लफ्ज का, विद अ सिंगल साउंड, एक साउंड के साथ। यानी कि एक वर्ड में जितनी साउंड्स क्रिएट होंगी वो उसके नंबर ऑफ सिलेबल्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है ऑल। ऑल वन साउंड क्रिएट हुई है तो नंबर ऑफ सिलेबल्स है वन। नेक्स्ट है नीच। नीट। वन साउंड क्रिएट हुई है तो नंबर ऑफ सिलेबल्स है वन। नेक्स्ट है टीचर। टी चर। टी चर। टू साउंड्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं टू। नेक्स्ट है रिसेंट। री सेंट। री सेंट। टू साउंड्स हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं टू। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग। कम प्ली टिंग। कम प्ली टिंग। थ्री साउंड्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं थ्री। नेक्स्ट है इनवेलप। इन वेलप। इन वेलप। थ्री साउंड्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं थ्री। नेक्स्ट है राइट डाउन हाउ मैनी सिलेबल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें हमने बताना है कि कितने सिलेबल वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड है सिक। एस आई सी सिक। सिक। टू साउंड्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं टू। फर्स्ट में आएगा टू। सेकेंड है नोटिस। एन ओ नो टी आई टी सी सी। नोटिस। थ्री साउंड्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं थ्री। सेकेंड में आएगा थ्री। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कशन। डिस्कशन में कितनी साउंड्स क्रिएट हो रही हैं? फोर। डी आई एस डिस सी यू सू डबल एस आई। नेक्स्ट है ओ एन। डिस्कशन। फोर साउंड्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं फोर। नेक्स्ट वर्ड इज अटेंशन। के डबल टी फर्स्ट साउंड, ई एन सेकेंड साउंड, टी आई ओ एन थर्ड साउंड। थ्री साउंड्स हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं थ्री। लास्ट वर्ड है टेल। टी ई फर्स्ट साउंड, डबल एल सेकेंड साउंड। टू साउंड्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं टू। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 ओपन करें। बुक पेज नंबर 10 पे है वोकैबुलरी फोकस। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हम वर्ड्स को रीड करते हैं उनके मीनिंग्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट हिस्सा लेना। टू टेक पार्ट इन समथिंग। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। आ ड्यूटी। अटेंशन तवज्जो। अटेंशन तवज्जो। टू लुक एट समथिंग केयरफुली। सडनली अचानक। सडनली अचानक। क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड। लास्ट वन है डिस्कशन। डिस्कशन बातचीत। टू टेक टू टॉक अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स को हम रीड करेंगे विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो रीड करते हैं वर्ड्स को स्टार्ट से। बिकॉज डिफरेंट क्वेश्चन कंटिन्यू प्रोवाइड। नेक्स्ट है ग्रामर फोकस। चूज एन एक्शन वर्ब
टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है फिलिंग दी ब्लैंक्स, उनमें हमने फैक्ट वाला एक्शन वर्ब जो है वो चूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक्शन वर्ब, एन एक्शन वर्ब इज़ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसिस फिजिकल और मेंटल एक्शन। जो हमारे फिजिकल या मेंटल एक्शन को शो करते हैं वो क्या होते हैं, एक्शन वर्ब, जैसे कि हेल्प, वॉक, इंजॉय, टेक, एटसेट्रा, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। द ब्लू बर्ड टू वर्ड्स हैं सींग्स थिंग्स ब्यूटिफुली। तो राइट वाला वर्ड है सींग्स। ब्लू बर्ड खूबसूरती के साथ क्या करता है, गाता है। सींग्स होता है गाना, थिंग्स होता है सोचना। तो करेक्ट एक्शन वर्ब है सींग्स। सेकेंड सेंटेंस है हीरा टू वर्ड्स हैं पोर्स फीज मिल्क इनटू आ ग्लास। हीरा ग्लास में क्या करेगी, मिल्क को दूध को डालेगी या महसूस करेगी, जाहिर है डालेगी। तो सेकंड में होगा पोर्स। थर्ड है अली स्मेल्स चूस गम। अली गम को क्या करेगा, चूस चबाएगा, स्मेल्स सूंघेगा। तो जो करेक्ट वाला एक्शन वर्ब है वो है चूस, चबाएगा। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 ओपन करें। स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एक्शन वर्ब। हम जो सूटेबल एक्शन वर्ब है उसे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द वर्ब बुक टू कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम जो करेक्ट वाला सूटेबल एक्शन वर्ब है वो लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, माय पेरेंट्स फुलफिल ऑल माई नीड्स। मेरे वालदैन मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। फर्स्ट पे होगा फुलफिल। नेक्स्ट है माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। सेकेंड पे होगा वर्क्स, मेरे फादर वाले साहब बैंक में काम करते हैं। टू प्रोवाइड अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छा मुस्तकबिल मुहैया करने के लिए। थर्ड पे होगा प्रोवाइड। नेक्स्ट है माय मदर टीचिस इन अ स्कूल। फोर्थ पे होगा टीचिस, मेरी वालदा एक स्कूल में पढ़ाती हैं। नेक्स्ट है शी कुक्स डिलीशियस फूड। फिफ्थ पे होगा कुक्स, वो मज़े के खाने बनाती हैं। दे गिव मी विद क्लॉथ शूज एंड मैनी अदर थिंग्स, वो मुझे नए कपड़े जूते और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी देते हैं। तो यहाँ होगा गिव। दे लव मी सो मच, वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ होगा लव। लास्ट पे है आई थैंक अल्लाह फॉर ब्लेसिंग मी विद माय पेरेंट्स, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स से नवाजा। तो यहाँ पे होगा थैंक। नेक्स्ट पे है रीड द गिवन पोजेसिव प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंस। हम सेंटेंस हैं इनमें पोजेसिव प्रोनाउंस को रीड करेंगे। जो येलो पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है वो है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस सेंटेंस में रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीड करना। माय मदर कुक्स वेल, माय को येलो पेंसिल से किया हुआ है तो माय क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, हर सिस्टर इज़ ओल्डर, दे हैव रीच्ड देयर स्कूल, आई लाइक रोज, आई लाइक इट्स फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। सेंटेंसेस हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, इनमें दो ऑप्शन है, जो करेक्ट वाला ऑप्शन है उसे हमने चूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आई एम अ बॉय, माय नेम इज़ आदिल। करेक्ट जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो है माय, फर्स्ट में आएगा माय। सेकंड है दैट इज़ हिज हाउस, इट इज़ वेरी बिग, सेकंड पे होगा हिज। थर्ड पे होगा शी टेक्स केयर ऑफ हर बुक्स, थर्ड पे होगा हर। फोर्थ वन है वी हैव मैनी इस्लामिक बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, फोर्थ पे होगा और।
फिफ्थ, यू डू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स डेली। सिक्स में होगा योर। नेक्स्ट है दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, इसमें होगा देयर। लास्ट पे है दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। आई लाइक इट्स स्टोरीज, मुझे इसकी कहानियाँ पसंद हैं। लास्ट पे होगा इट्स। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 ओपन करें। राइटिंग फोकस है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक माई लविंग पेरेंट्स। माई लविंग पेरेंट्स पे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। माई पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेरे वालदैन दुनिया के सबसे बेहतरीन वालदैन हैं। दे आर ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह टू मी, वो मेरे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। माई पेरेंट्स फुलफिल ऑल माई नीड्स, मेरे वालदैन मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। दे डू बेस्ट टू गिव अस अ बेटर फ्यूचर, वो मुझे अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। दे लव मी सो मच, वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। आई थैंक अल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर ब्लेसिंग मी विद माई पेरेंट्स, तो उन्होंने मुझे मेरे वालदैन जैसी नेमत से नवाजा। नेक्स्ट डायरी है, लेसन नेम इज़ पेरेंट्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग। हम लर्न करेंगे बुक वर्क प्लस राइटिंग फोकस लर्न, इन सबको हम लर्न करेंगे और होमवर्क में हम लिखेंगे राइटिंग फोकस बुक पेज नंबर 12 से। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।